पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। गर्मी की छुट्टियों में रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने नजर आ रही है। मैं बता दूं आपको कि भारतीय रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के बीच ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को बढ़ता देख समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया है, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस कड़ी में बिहार के दरभंगा और पूर्णिया कोर्ट से सरहिंद के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। मैं बता दूं आपको कि रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने दरभंगा और सहरसा से सरहिंद के लिए चल रही स्पेशल ट्रेनों के अलावा दरभंगा और पूर्णिया कोर्ट से सरहिंद के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। पूर्व मध्य रेल के CPRO सरस्वती चंद्र ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के में यात्रियों की सुविधा के लिए कई समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इस क्रम में पूर्णिया कोर्ट और दरभंगा से सरहिंद के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। मैं बता दूं आपको, गाड़ी संख्या 05569 और 05570 पूर्णिया कोर्ट सरहिंद पूर्णिया कोर्ट समर स्पेशल, गाड़ी संख्या 05569 पूर्णिया कोर्ट सरहिंद समर स्पेशल ट्रेन 26 तारीख को पूर्णिया कोर्ट से 8 बजे खुलकर 28 तारीख को 3 बजे सरहिंद पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05570 सरहिंद पूर्णिया कोर्ट समर स्पेशल 28 तारीख को सरहिंद से 5 बजे खुलकर 29 तारीख को 3:30 पे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी। अप और डाउन दिशा में यह ट्रेन बनमंखी, दौरम, मधेपुरा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, हसनपुर रोड, समस्तीपुर, दरभंगा, कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बड़गिनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी में 15 कोच होंगे। मैं बता दूं आपको, गाड़ी संख्या 05597 और 05598 दरभंगा सरहिंद दरभंगा समर स्पेशल, गाड़ी संख्या 05597 दरभंगा सरहिंद समर स्पेशल 27 तारीख को दरभंगा से 5:30 पर खुलकर अगले दिन 4:30 सरहिंद पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05598 सरहिंद दरभंगा समर स्पेशल 28 तारीख को सरहिंद से 6:30 खुलकर अगले दिन 10 दरभंगा पहुंचेगी। अप और डाउन दिशा में यह ट्रेन कमतौल, सीतामढ़ी, बड़गिनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। इस स्पेशल ट्रेन में तृतीय वातानुकूलित श्रेणी का 1, शयन श्रेणी का 8 और साधारण श्रेणी के 5 कोच होंगे। मैं बता दूं आपको कि लगातार गर्मी की छुट्टियों में रेल यात्रियों की बढ़ती हुई आबादी को देखकर रेल मंत्रालय की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया है समर स्पेशल ट्रेन को चलाने के लिए। तो अब देखने वाली बात यह है कि समर स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद क्या रेल से जो यात्री जाते हैं उनमें कुछ कमी दिखेगी या उन्हें कुछ फायदा होगा या नहीं। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।